कि आपने देखा प्रीव्यू में, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे आर यू ओके एफ एफ की तरह अपनी जो वीडियोस है, फ्री फायर की क्लिप्स हैं, उन्हें कैसे जो है एडिट कर सकते हैं और किस तरह से जो है आप करेक्टर ग्लो इफेक्ट दे सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसमें मैंने आपको पूरा पूरा स्लो करके समझाया है बिल्कुल बारीकी से। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस सबसे पहले आपने अपनी जो क्लिप है वो ऐड कर लेनी है और उसके बाद अपने पैन एंड जूम वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और अपनी जो क्लिप है उसे जो है एडजस्ट कर लेना है इस तरह से फुल स्क्रीन में। तो गाइस उसके बाद आपने जो यहाँ पर जाना है एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट में जाकर आपने जो है ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देनी है। यहाँ पर 10 के अक्रॉस आपने जो है यहाँ पर ब्राइटनेस को रखना है, और गाइस यहाँ पर 10 सेलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर धीरे से जो है ड्रैग करके जो है आपने +10 जो है ब्राइटनेस रख लेनी है और कॉन्ट्रास्ट को 20 रख लेना है। और गाइस उसके बाद सैचुरेशन को भी आपने जो है थोड़ा सा बढ़ा लेना है, यहाँ पर 44 प्लस कर लेनी है सैचुरेशन। और गाइस बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बाकी जो भी यहाँ पर एडजस्टमेंट है उन्हें आपने ऐसे रहने देना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर इसको रन कर देना है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो क्लिप है, तो हमने जो है यहाँ पर एक जो है यहाँ पर क्लिप सेव करनी है इसके बीच में। तो यहाँ पर हम इसमें ग्लो इफेक्ट देंगे, करेक्टर ग्लो इफेक्ट, वो वाली जो इमेज है वो सिलेक्ट करनी है यहाँ पर, और स्प्लिट एंड फ्रीज कर देना है यहाँ पर फ्रेम को, और आपकी जो है यहाँ पर फ्रेम सेव हो जाएगी और यहाँ पर आपकी जो है एक इमेज जो है यहाँ पर खुद ब खुद ऐड हो जाएगी। तो गाइस उसके बाद आपने उसको जो आपकी यहाँ पर सेव हो गई होगी फ्रेम, उसको जो है आपने एक साइट पर जाना है और अपलोड करना है, remove.vg आपको दिखेगी एक वेबसाइट, उसमें आपने जो है यहाँ पर अपनी इस फ्रेम को ऐड करना है और आप जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस ये वाली ऐप से जो है आप फ्री में जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर PNG बन जाएगी और अब यहाँ पर डाउनलोड भी हो जाएगी, तो आपने उस PNG को जो है यहाँ पर ऐड करना है और अपने करेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है रख लेना है इस PNG को। गाइस इस तरह से जो है आपने जो है करेक्टर के अकॉर्डिंग रख लेना है इस PNG को, और आप यहाँ पर लिट स्क्रीन में जाकर जो है इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने जो है एक जो फ्रेम है उसको ऐसे रख लेना है फ्रेम पहले वाली फ्रेम के ऊपर ही, और आपने इसको फिर डुप्लीकेट कर लेना है 3 डॉट्स पर जाकर, और यहाँ पर आपने इसको जो है एनिमेशन देना है। अब तो गाइस यहाँ पर एनिमेशन नहीं होगा क्योंकि फुल स्क्रीन है, तो आपने जो है पहले फुल स्क्रीन को जो है ऑफ़ कर लेना है यहाँ पर, और आपकी जो है स्क्रीन वैसे ही रहेगी लेकिन फुल स्क्रीन ऑटोमेटिक जो ऑप्शन होता है वो नहीं दिखेगा यहाँ पर। तो इसके बाद आपने जो है अपनी फ्रेम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर की मैपिंग का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं की बनी हुई है, यहाँ पर आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, और आपने जो आपकी यहाँ पर फ्रेम है उसके बीच में आना है और एक की जो है ऐड करनी है, और इसको जो आपकी डुप्लीकेट लेयर है उसको जो है ड्रैग करना है हल्का सा राइट की ओर, और यहाँ पर आपने जो है इस तरह से जो है रख लेना है, और उसके बाद जो है इसको फिर से डुप्लीकेट करना है, और इस बार जो है आपकी की जो है वो बन के आ जाएगी। तो आपने इसको जो है अब इस बार लेफ्ट की तरफ जो है ड्रैग कर लेना है और करेक्टर के साथ अलाइन कर लेना है यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर करेक्टर जो है स्प्लिट होकर आएंगे 3, और इसकी एनिमेशन जो है वो काफ़ी ओपी लगती है। तो आप इस तरह से जो है करेक्टर को स्प्लिट कर सकते हैं, और इसके बाद जो है आपको मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर स्प्लिट होंगे करेक्टर। तो गाइज अब जो है आपने साथ में गाइज इसके हम एंडिंग भी कर देते हैं यहाँ पर, जो एंडिंग में यहाँ पर जो स्प्लिट होंगे करेक्टर दोबारा से जो है मर्ज हो जाएंगे एक ही करेक्टर के ऊपर। तो उसके लिए आपने फिर से लास्ट में एक की ऐड करनी है, और यहाँ पर आपने जो है इसको दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि एक करेक्टर के ऊपर दोनों को जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, जिससे कि यहाँ पर पहले स्प्लिट होंगे और उसके बाद फिर से एक करेक्टर के ऊपर आ जाएगी, इससे काफ़ी ओपी जो एनिमेशन लगेगी आपको।
तो गाइस यहाँ पर हमारा स्प्लिट करेक्टर डन हो चुका है और अब जो है हमें इसको ग्लो इफेक्ट देना है। सो गाइस ग्लो इफेक्ट की एक जो वीडियो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्लो है इसको आपने ऐड कर लेना है और उसके बाद जो है आपने ब्लेंडिंग पे जाना है और इसको ब्लेंडिंग में जाकर आपने स्क्रीन पर सिलेक्ट कर लेना है, जिससे आपका जो है ये ग्लो इफेक्ट जो है करेक्टर के साथ आ जाएगा और जो इसका ब्लैक बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको जो है एडजस्ट कर लेना है अपने करेक्टर के ऊपर और उसके बाद एडजस्टमेंट में जाना है और आपको अगर इसका चेंज करना है कलर तो कलर आप चेंज कर सकते हैं एडजस्टमेंट में जाकर। यहाँ पर आपने ह्यू को चेंज करना है, आप अपने बैकग्राउंड और करेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ब्लू जो है यहाँ पर कलर करेंगे इसको थोड़ा सा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी सा आप यहाँ पर पॉइंट रखेंगे उसमें जो है कलर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हल्का सा ब्लू कलर आ गया है। तो अब आपने इसको जो है सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से जो है इसको आपने ट्रिम कर देना है, बाकी का जो एरिया बचता है। तो यहाँ पर हमने ट्रिम कर लिया है और अब जो है आपने इसको दोबारा से सिलेक्ट करना है और इसको सेंड टू बैक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर सेंड टू बैक नहीं होगा तो आपने जो है इसमें आप सेंड टू बैकवर्ड किया तो नहीं हुआ, तो अब आप जो है इसे सेंड टू बैक कर दीजिए जिससे कि ये जो है सारी जो यहाँ पर लेयर्स हैं उसके पीछे चला जाएगा और आपको करेक्टर ग्लो देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप करेक्टर के पीछे हो चुका है ये, और आपने इसको फिर से डुप्लीकेट करके दूसरे वाले जो करेक्टर है उसके पीछे भी यहाँ पर जो है इसको एडजस्ट कर लेना है। गाइस इस पे भी हम की मैपिंग दे देंगे एनिमेशन जो कि हमने करेक्टर की बारी दी थी। तो देखते हैं गाइस की मैपिंग कैसे लगती है इसको। तो पहले इसे सेंड टू बैक कर लेते हैं और अब जो है आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से जो है सेंड टू बैक हो चुका है। तो गाइस आप इसमें जो है तीन जो हमारे करेक्टर स्प्लिट होंगे तो हमें जो है यहाँ पर दो और जो करेक्टर ग्लो है वो ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपल आप जो है डुप्लीकेट कर लीजिए इस लेयर को और अपना जो दूसरा करेक्टर है उसके जो है पीछे लेकर आप जो है इसका करेक्टर जो ग्लो है उसे भी आप करेक्टर के पीछे लेकर यहाँ पर ग्लो दे सकते हैं करेक्टर के साथ। जब स्प्लिट होगा तो उसके पीछे भी जो है करेक्टर ग्लो दिखाई देगा जिससे कि आपकी जो क्लिप है वो काफ़ी ओपी लगेगी। तो यहाँ पर हम जो है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें की मैपिंग ढूंढने पड़ेगी पहले। तो हमने जो नीचे वाली जो हमारी लेयर्स हैं उसमें जो की मैपिंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपने जो है पहले अपने पॉइंटर को रख लेना है और उसके बाद जो ऊपर का जो ग्लो इफेक्ट है उसमें आपने क्लिक करना है और इसे जो है आपने इस पर एक की मैप कर देना है और यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगी। तो आपने इसको हल्का सा जो है यहाँ पर राइट या लेफ़्ट की ओर जो है ड्रैग कर लेना है जिससे आपका जो है यहाँ पर इसका भी एनिमेशन बन जाएगा ग्लो का भी और ये करेक्टर के साथ अलाइन होकर जो है फिर आपको ग्लो देखने को मिलेगा। तो गाइस इसी तरह से जो है आपने राइट को कर लिया है तो अब आपने लेफ़्ट की ओर भी कर लेना है और उसके बाद सेंड टू बैक कर देना है जिससे आपका जो है ग्लो जो है करेक्टर के पीछे जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है दो जो हमारे करेक्टर हैं उनके पीछे जो है ग्लो लगा दिया है और अब हम तीसरे वाले जो लेफ़्ट में है उसके पीछे भी यहाँ पर इसको जो है एडजस्ट कर लेते हैं और इसके बाद आपने इसको जो है सेंड टू बैक कर देना है जिससे ये करेक्टर के पीछे चला जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से जो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने इस ग्लो को भी ड्रैग करके हल्का सा। और आपने जो है एंडिंग में फिर से जो जैसे आपने करेक्टर को जो एनिमेशन दी थी एंडिंग में एक ही तरफ जो है बीच में सेंटर में मर्ज होने के लिए, उसी तरह से जो है इन करेक्टर ग्लो क्लिप्स को भी आपने जो है सेंटर की ओर मर्ज कर देना है। तो आपकी जो है एनिमेशन पूरी तैयार हो जाएगी और आपने इसको फिर से सेंड टू बैक कर देना है। यहाँ पर आपने जो भी क्लिप्स हैं उन्हें सेंड टू बैक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंड टू बैक कर दिया है हमने। तो गाइस अभी जो है आपकी जो वीडियो है वो बन चुकी है और अब आपको देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो क्लिप है पूरी तैयार हो चुकी है। आप इस तरह से देख सकते हैं काफ़ी ओपी जो दिखाई देती है हमारी क्लिप। तो गाइस यहाँ पर बैकग्राउंड
की जो है आप ब्राइटनेस भी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। सो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करेंगे तो ये थोड़ा सा डार्क देखने को मिलेगा और इसमें आपका जो ग्लो है काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई देगा यहाँ पर फ्रंट में, तो काफ़ी ओपी जो लगता है ये। तो यहाँ पर आपने जो सबसे जो ऊपर जो हमारी क्लिप है यहाँ पर फ्रेम जो हमने ऐड की थी उस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद एडजस्टमेंट में जाना है और ब्राइटनेस को जो है यहाँ पर माइनस कर देना है थोड़ा सा, जिससे जो है बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पर 35 या फिर 30, यहाँ पर हम 30 तक जो है माइनस ब्राइटनेस कर देंगे और आप देख सकते हैं थोड़ा सा डार्क हो गया है पीछे बैकग्राउंड। और यहाँ पर अभी जो हमारा करेक्टर ग्लो है काफ़ी बढ़िया लगेगा, तो आप थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को भी यहाँ पर ज़्यादा कर दीजिए 20 के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर बाकी आपने किसी से भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। और अब आप देख सकते हैं काफ़ी ओपी जो हमारी क्लिप बन के तैयार हो चुकी है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज़रूर से लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो गाइस अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे सॉन्ग जो कि बैकग्राउंड सॉन्ग होगा यहाँ पर, जो आर यू ओके जो ऐड करते हैं अपना गाना 24K गोल्डन मूड। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर हम लिरिक्स के अकॉर्डिंग जो है इसे कट कर लेंगे शुरू का और इसे जो है अपनी क्लिप में ऐड कर देंगे। गाइस यहाँ पर हमारी क्लिप बनके तैयार हो चुकी है और उसके बाद जो है अपने जो बाकी का सॉन्ग बचता है उसे भी यहाँ पर डिलीट करके जो है डिलीट कर देना है और अपनी क्लिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉन्ग को रख लेना है। और लास्ट में थोड़ा सा आप यहाँ पर वॉल्यूम को डाउन भी कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर एंडिंग में थोड़ी वॉल्यूम डाउन हो जाएगी, जिससे जो है आपका ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ओपी जो लग रही है हमारी क्लिप। तो गाइस आपने प्रीव्यू में भी देखा होगा कि काफ़ी जो मस्त सी जो एडिटिंग हो चुकी है। तो गाइस इसके बाद आपने सिंपल इसको यहाँ पर ऊपर आप ऑप्शन देख सकते हैं एक्सपोर्ट का, वहाँ से आपने फुल रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट में यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 36 MB का ही हमारी जो वीडियो बनेगी। तो गाइस यहाँ पर आपने सिंपल सेव पर क्लिक करके इसे जो है एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस इसमें काफ़ी कम टाइम लगेगा क्योंकि 36 MB की ही यहाँ पर वीडियो बनेगी, तो ये काफ़ी जल्दी जो है हो जाएगी यहाँ पर एक्सपोर्ट। तो अगर आपकी जो ज़्यादा ड्यूरेशन की है अगर वीडियो, तो वो ज़्यादा टाइम लेगी यहाँ पर एक्सपोर्ट होने को। सो गाइस यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।